जी, तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि बहुत सिग्निफिकेंट बात यह है कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये टर्मिनोलॉजी याद रहे ना, ये लाइन अगर हमें याद रहे, तो हमें एक्सपेंसेस का पूरा जो बैकग्राउंड है वो समझ आ जाएगा। दे आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, मैं रेवेन्यू पे भी आऊंगा पहले, लेकिन उससे पहले एक्सपेंसेस बताना जरूरी है। देखिए, एक्सपेंसेस को मुझे एज सच एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। वो तमाम अखराजात जो कि कोई भी बिजनेस यूज करता है टू इवेंचुअली अर्न द रेवेन्यू, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस हो कौन कौन से सकते हैं फॉर अ टिपिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस वही जो आपके एम्प्लॉयज हैं जिनको आपको सैलरी पे करनी है ऑन अ मंथ पर मंथ, ठीक है। सिमिलरली रेंट एक्सपेंस, जो आपने अगर कोई ऐसा ऑफिस लिया हुआ है जो आपने उसका रेंट पे करना है, तो जो भी आपका मंथली रेंट होगा वो आपका एक एक्सपेंस कहलाएगा, सही। आपकी कोई एडवर्ट कोई भी आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, जिसके लिए आपको किसी मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करना है प्रमोट करने के लिए, तो अगर आप एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग के लिए पे करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सही। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, के कोई आपने सामान लोड अनलोड करवाया है या कहीं आपके बिजनेस के ट्रिप्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके जो पे कर रही होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ही पे कर रही होती है, तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सही है। यूटिलिटी एक्सपेंस, देखें किसी भी बिजनेस का सबसे ज्यादा एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है यूटिलिटी एक्सपेंस, यानी कि जितने भी हमारी गैस, बिजली, पानी के जो बिल होते हैं, जो हम कहते हैं इन कॉमन टर्म्स, घर में भी ये बहुत बातें होती हैं, तो यूटिलिटी बिल्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, जस्ट लाइक सैलरीज, ठीक है। क्योंकि जब भी इंप्लॉयज आपके ऑफिस में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लाइट यूटिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली गैस भी यूज होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, पानी भी यूज होता है, ठीक है। तो उनके जो भी बिल्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर 6 month इज इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करवाती है, फायर इंश्योरेंस, और भी इंश्योरेंस के भी वैसे बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, इट इज ऑल्सो अ डीप सी एक्सप्लेनेशन यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, सही है। कोई शिपिंग कंपनी है तो वो सिंकिंग का जो है यानी कि लॉस्ट बेयरिंग कुछ इंश्योरेंस करवाती है कि भाई अगर जो शिप है हमारा अगर वो करोड़ों अरबों रुपए के माल के साथ डूब जाए, तो भाई उसको कौन उसका जो है वो लॉस बेयर करेगा। तो दैट इज वाई जो ये थेफ्ट, फायर और सिंकिंग ऑफ शिप, इनके बहुत सारे इंश्योरेंसेज होते हैं। अगर कंपनी ने ये करवाया हुआ तो उसका भी एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो डेट विल बी एन एक्सपेंस, सही। लाइफ इंश्योरेंस हुआ तो वो भी आपको एक पर एनम या पर मंथ आपको उसकी कुछ प्रीमियम और जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी पड़ती है, सही है। कोई मशीन खराब हो गई है, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, उसको रिपेयर कराना है तो उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड रिपेयर एक्सपेंस। इनकम टैक्सेस आपकी कंपनी पे लगते हैं, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस वो हम इसलिए कंसिडर कर रहे होते हैं कि टैक्स, देखें जो गवर्नमेंट तो हम ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स लगा देती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को तो अपनी जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं ना, सो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज टैक्स एज एन एक्सपेंस, ठीक है। कमीशन एक्सपेंस, आपने कोई अपना काम करवाया है, कोई कुछ है लीगली, यहाँ पे जो कमीशन की टर्म यूज हो रही है इट इज अ लीगल टर्म, ठीक है, इलीगल ना हो, लीगली आपने कोई काम करवाया है, कोई आपने किसी से कंसल्टेंसी ली है आपने कोई, तो आपने अगर उसको कमीशन पे कर दिया है और जो कि आपको करना पड़ता है अक्सर केसेस में, सो दैट विल बी कॉल्ड कमीशन एक्सपेंस। और कमीशन एक्सपेंस ऐसे भी हो सकता है कोई आपकी सेल्स फोर्स है, ठीक है, आपने कहा था कि जब आप पे करेंगे तो आपको 10% कमीशन मिलेगा, सही है। तो भाई सेल्स फोर्स आ गई आपके पास, जो भी सेल्स वाले बंदे थे उन्होंने कहा सर हमने आपने जितना टारगेट था हमने अचीव कर लिया है, ठीक है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अब आपको उनको कमीशन पे करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जब कमीशन पे करेगी, देखिए कमीशन रिसीव करेंगे तो इट विल बी योर इनकम, सही है, लेकिन जब कमीशन पे करेंगे तो डेट विल बी एन एक्सपेंस, सही है। अब आ जाते हैं बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा, ये एक नया न्यू टाइप ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, आई होप कि इससे पहले वाले एक्सपेंसेस आपने कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे, ठीक है। लेकिन एज अ सी एस स्टूडेंट या एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपने कभी भी ये बैड डेट का वर्ड नहीं सुना होगा जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए बैड डेट एक टर्म है, जैसे मैंने एसेट में आपको बताया था ना, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, एंड नोट्स रिसीवेबल। देखें जब भी आप किसी बंदे को जबानी उधार दें या लिख के उधार दें, ठीक है, लेट सपोज वो बंदा वापस नहीं आता, तो अकाउंट में उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये वही बात है भाई। आपने बिजनेस के जो है माल आपने बेचा था, फॉर एग्जाम्पल शूज थे, ग्रोसरीज थी, कुछ भी था, आपने बिजनेस से बेची चीजें, बिजनेस से तो चली गई, लेकिन क्या बिजनेस के पास पैसा आया था, तो जवाब है नहीं, पैसा आना था। अब जिस बंदे ने आपको पैसे देने थे वो बंदा भाग गया, वो बंदा आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल में जो प्रोसीडिंग्स ना हो पाए, उनको हम कैटेगराइज करते हैं बैड डेट एक्सपेंस। देखें बैड ऑब्वियसली बुरा,
अच्छा डेट, देखें इसको अक्सर जो है प्रोनाउंस करने में बच्चे गलती करते हैं, इट्स DEBT। देखें यहाँ पे बी को हम मेनली साइलेंट कंसिडर करते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डेट, ठीक है, नॉट डेप्ट। इसको अगर आप डेप्ट करके पढ़ेंगे तो इट इज वेरी गुड पुअर प्रोनाउंसिएशन, गुड प्रोनाउंसिएशन इज डेट, ठीक है। डेट का मकसद होता है एनी लाइबिलिटी, यानी कि कर्जा, कोई भी ऐसा कर्जा, ठीक है। अब बैड डेट एक्सटेंड, तब आपको समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, यानी ऐसा कर्जा जो आपने किसी को दिया और वो आपको वापस ना मिला, ठीक है। वो किस फॉर्म में हो सकता था, वो अकाउंट रिसिवेबल की फॉर्म में हो सकता था जो आपको मिलना था, एंड नोट रिसिवेबल की फॉर्म में हो सकता था जो आपको मिलना था जो कि नहीं मिला, सही है। और अगर वो बंदा वापस नहीं आया तो भाई देखें आपको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखाना पड़ेगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल, अब ये वही बात है, आपने 10 लाख का माल नोट रिसिवेबल की फॉर्म में आपने भेज दिया, आपने कहा भाई माल ले जाओ 10 लाख रुपए का, मैंने आपको नोट साइन करके दे दिया, इस तारीख को इस इतने बजे आके इतना अमाउंट पे कर देना। अब वो बंदे ने कहा ठीक है, अब वो बंदा आया ही नहीं, अब आपके बिजनेस का तो एक तरीके से 10 लाख का नुकसान हो गया, आपका 10 लाख का माल तो चला गया लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए आए नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पकड़ना है, क्योंकि बिजनेस का पैसा है आपकी जेब से तो गया नहीं है, आपकी जेब से तो माल गया नहीं है जो आप रिकॉर्ड ना करें, तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए इसका जो प्रोविजन है दैट इज कॉल्ड बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इससे कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन, हमने अक्सर इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर सुनते हैं डेप्रिशिएट, अगर इंग्लिश के वर्ड से अगर मैं इसको आपकी मीनिंग बताऊं, इसका मकसद ये है कि डी वैल्यू हो जाना किसी चीज का, यानी कि डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मकसद क्या होता है, किसी भी फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं भाई शेयर्स की वैल्यू है उनमें इतना एप्रिसिएशन हुआ है 5% से, सही है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू 5% से बढ़ गई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ऑब्वियसली मायने ये होंगे कि किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आना, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन का ताल्लुक है हमारे फिक्स्ड एसेट्स से, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक हमारे फिक्स एसेट से होता है, करंट एसेट से बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? देखिए इसका आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाए, लॉजिकल सीक्वेंस इस बात का ये है, क्योंकि क्योंकि फिक्स एसेट्स की लाइफ हमारी 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिस चीज की लाइफ 1 साल से ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू में कमी आएगी, ठीक है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू में कमी ही आए, कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जिनकी वैल्यू में अप्रिसिएशन हो जाती है, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ से फिक्स एसेट पे दूंगा, इक्विपमेंट, ठीक है, या कोई मशीनरी है, सही है, ये दूसरा टाइप हो गया, या तीसरी चीज कोई व्हीकल है, सही है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आजकल जो बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है वो पाकिस्तान में SUVs का चल रहा है, अब आपने कोई किया कि स्पोर्टेज जो है एज एन SUV आपने बिजनेस के लिए लिए फॉर योर एग्जीक्यूटिव जो भी बड़ी पोजीशन पे लोग हैं, ठीक है। अब इट इज वेरी कॉमन सेंस कि भाई 2020 की जो किया स्पोर्टेज है एज अ व्हीकल जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो खरीदी है बाय करी है, जब 2022 या 23 आएगा तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जितने पे आपने उसको बाय किया होगा, ठीक है। ये वही एग्जांपल है, जैसे हम लोग बहुत लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो वो ये है जब आप मोबाइल लेके आते हैं, चाहे वो आपने लाख का लिया हो या कितने का भी लिया हो, अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि भाई जैसे ही आपने उसकी जो है वो जो पैकिंग होती है वो खोल ली, आपके 1000-1200 तो वहीं गिर गए, ठीक है, यानी कि अब वो चीज नहीं रहा जो था, सही। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा रेलेवेंट लगेगा ये पॉइंट, मोबाइल आप घर ले आए, आपने यूज किया 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब आप बेचने जाएंगे तो वही 1 लाख रुपए का मोबाइल आपका या तो 80,000 में जा रहा होगा या 70,000 में जा रहा होगा। पॉइंट इज ये जो डिफरेंस आया है वैल्यू में दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हमें अकाउंटिंग की टर्म्स में इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि जो वैल्यू में डिफरेंस आया होता है वो हमें रिपोर्ट करना होता है कि भाई चीज तो 1 लाख की थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 क्यों है, तो वो 70,000 क्यों है का रीजन 30,000 का डेप्रिसिएशन होता है, सही है। ये मैं जस्ट बिल्कुल ही मैं सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ व्हीकल की एग्जांपल दी, कोई किया स्पोर्टेज, कोई भी XYZ, कोई भी आपने व्हीकल लिया था फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैरेज के लिए, यानी कि सामान लोड अनलोड करने के लिए आपने कोई जो है लोडर खरीदा था, सही है। अब उसकी वर्थ 3 साल गुजरने के बाद वो नहीं रहेगी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सुजुकी का लोडर खरीद लिया, अब वो लिया आपने 25 लाख में, 2 साल बाद जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है वो 20 लाख में जाए, हो सकता है 18 लाख में जाए, हो सकता है 17 लाख में जाए, ठीक है। लेट सपोज अगर वो 17 लाख में जाता है तो आपके कहाँ 25 लाख, ठीक है, कहाँ 17 लाख। तो ये जो वैल्यू में कमी आई है फ्रॉम 25 to 17, ठीक है, तो ये जो 8 लाख रुपए जो बीच से चले गए, सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि वैल्यू डेप्रिशिएट यानी कम हो गई किसी चीज की, फिक्स एसेट की स्पेशली, ठीक है।
बैड डेट को आप रिलेट कर सकते हैं करंट एसेट से, और वो भी करंट एसेट में कहाँ, अकाउंट रिसिवेबल से और नोट्स रिसिवेबल से, सही है। लेकिन डेप्रिसिएशन को आप एसोसिएट करेंगे विद फिक्स एसेट्स, सही है। अच्छा ये तो हो गया एक्सपेंसेस, तो दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्कशन यहाँ पे हो चुका। थर्ड इज लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, लाइबिलिटी का मकसद ये है कि ऐसी ऐसे कर्जे जो भी बिजनेस लेता है, जो भी किस्म के कर्जे बिजनेस लेता है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो कहलाती हैं लाइबिलिटीज, यानी कि ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इस लाइबिलिटीज को थोड़ा सा हम रीड आउट करेंगे। लाइबिलिटीज आर डेट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, डेट मीन्स ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस, यानी लाइबिलिटीज। ऑल बिजनेस कंसर्न्स हैव लाइबिलिटीज, इवन द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज फाइंड इट कन्वीनियंट to purchase merchandise and supplies on credit rather than to pay at cash at the time of each purchase. देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करता चलूँ कि जैसे आपको यहाँ एक टर्म नजर आ रही होगी, purchase merchandise and supplies on credit, ठीक है। देखिए क्रेडिट का जो वर्ड है ना, ये बहुत वर्सेटाइल है, ये बहुत मौकों पे डिफरेंट कॉनोटेशन में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट की टर्म में जब भी हम कोई चीज इस तरह कम्युनिकेट करते हैं ना कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या डिलीवर्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, तो इसका मकसद होता है कि यानी कि हमने उधार पे कोई चीज ली है या दी है, ठीक है। इस तरह की कॉनोटेशन में या इस तरह के सेंटेंस में वर्ड आएगा अगर ऑन क्रेडिट, तो इसको हम इस तरह अज्यूम करेंगे या इसको इस तरह इन्फर किया जाएगा कि उधार पे कोई चीज हो रही है, ठीक है। अच्छा इसको या तो हम ऑन क्रेडिट बोल सकते हैं या ऑन अकाउंट बोल सकते हैं। जब आप इंशाल्लाह फर्दर अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जस्ट फेमिलराइज कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आगे जब इस तरह की, जब हम आगे फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे जनरल जर्नल वगैरह, तो उसमें इस तरह की टर्म्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन क्रेडिट का मकसद क्या है या ऑन अकाउंट का मकसद क्या है। देखिए अकाउंट में जब भी हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड, के फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मकसद यहाँ पे ये है कि उधार पे खरीदा, यानी कि ऑन क्रेडिट कह लो, सही है, या ऑन अकाउंट कह लो, एक ही बात है, सही है, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो rather than to pay at cash at the time of each purchase, यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये दी हुई है कि बहुत सारे बिजनेस इनको श्योरिटी होती है कि भाई हमारा कैश रुकता नहीं है, हमारे पास आता रहता है, वो अक्सर ये प्रेफर करते हैं कि बजाय इसके कि जब हम उधार पे खरीद के उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम क्यों पहले कैश पर खरीदें। देखिए जो हम आपकी क्लास में भी जो ऐसे लोग होंगे जिनके वालदैन का कोई बिजनेस होगा, तो वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है जब हमें ये श्योरिटी होती है कि भाई हमारे पास कस्टमर्स आते ही हैं, तो हम कोई नई चीज़ खरीद के ला के बेचने के लिए हम पैसों का वेट क्यों करें, हम वो चीज़ जो है, वो माल जो है, वो उधार उठा लेते हैं मार्केट से, उसको बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा उसमें से प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे, और जो पेमेंट है वो हम क्रेडिटर को कर देंगे, यानी कि जिससे हमने सामान लिया था। देखिए अक्सर ऐसा गारमेंट्स के बिजनेसेस में होता है, अगर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है मार्केट में, तो जो बिल्कुल जो होलसेल मार्केट जो बैठी हुई है हमारी सदर में, सही है, अड्डा मार्केट या इस तरह के लोग, वो आपको जबान पे भी आपके लाखों लाखों रुपए का आपको सामान दे देते हैं अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, सही है। पॉइंट इज अक्सर बिजनेस ये प्रेफर इसलिए करते हैं, भाई आपको कोई चीज़ खरीद के लाके बेचनी है, अब खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, सही है। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो वही चीज़ आप क्रेडिट पर उठा के बेच सकते हो, खुद पैसे भी कमा सकते हो, और जिससे आपने उधार लिया है उसको पे ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो लायबिलिटी का इंग्लिश टर्म्स में ही इसको मैं समझाऊंगा, तो भाई लायबिलिटी का मकसद है कर्जे, ठीक है। अब देखें जैसे मैंने पहले बताया था कि एसेट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन करंट एंड नॉन करंट टाइप्स, सिमिलरली हमें लायबिलिटीज को भी क्लासिफाई करना है, ठीक है। अच्छा इसमें लायबिलिटी की एक एग्जांपल और भी लिखी हुई है, एक डेफिनेशन और भी लिखी हुई है, डेट फॉर ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अच्छा ये थोड़ी सी एक टेक्निकल बात हो गई है यहाँ पे, द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, ये क्या है। देखें इसका मकसद ये है कि अगर आपने किसी बंदे को उधार दिया था, ठीक है, अब वो आपका जो है पैसे लेके भाग गया है, या लेट सपोज आप अब आपके पास वापस नहीं आ रहा, तो पॉइंट इज अगर आपने उधार दिया है तो आप उसके ऊपर एक को कहते हैं ना पर्चा दायर कर सकते हो। अब भले उसको अपने पर्सनल आसान से बेचने पड़े, लेकिन उसको आपको आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, सही है। सिमिलरली आप उस बंदे की जगह खुद को रखें, आपने किसी आपका बिजनेस था एक्स वाई जी बैंक से, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, ठीक है। अब आप टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक लोन वापस नहीं कर पा रहे,
या इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे, ठीक है, तो आपको बैंक बैंक जो है वो बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देगा कि आप हमारे पैसे लेके भाग गए, आप जो है बैंक फ्रॉड कर दिया आपने, आपने लोन लिया लेकिन अब आप हमें पे नहीं कर पा रहे, तो बैंक आपके जो है वो लॉ में जाके, बैंकिंग कोर्ट में जाके वो आपको सू कर सकता है कि अब आप जो है भले ही अपने पर्सनल असासे बेचें लेकिन आप मेरे पैसे मुझे वापस करें, और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल टर्म थी जो मैंने यहाँ बताना जरूरी समझा, तो मैंने आपको बता दिया। देखें अब लाइब्रेरीज को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखें क्लासिफिकेशन इसको अगर हम गौर करें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हो रही है, जैसे एसेट्स में था करंट एंड नॉन करंट, सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या मकसद यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। करंट लाइबिलिटीज कौन सी है, एनी डेट दैट मस्ट बी पेड विद इन अ ईयर, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा कर्जा जो एक साल में पे कर दिया जाए या पे करना पड़े वो कहलाता है करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली नॉन करंट लाइबिलिटी का मकसद क्या होगा, वो ऐसे कर्जे जो एक साल या एक साल से ज्यादा की टर्म रखें। स्पेशली सबसे अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे है बैंक लोन की, ठीक है, जब भी आप बैंक लोन लेते हैं तो वो एक साल के लिए तो लेते नहीं है, कम अज कम 5 साल 10 साल इस तरह का लोन होता है वो, ठीक है। सो नॉन करंट का मकसद क्या होगा, ऐसे तमाम डेट्स कर्जे या लाइबिलिटीज जो आपको एक साल से ज्यादा में पे ऑफ करने, सो दैट विल बी कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, सही। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, वही बात, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। लाइबिलिटीज यानी कर्जे वो होते किस नाम से आ सकते हैं अकाउंटिंग में, वो आपको बताना जरूरी है। नंबर वन इज अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अच्छा अगर इसको आप थोड़ा सा रिलेट करें पुराने एसेट से, अगर मैं आपको एक सी एग्जाम्पल दूँ, वहां था अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, यहाँ पे है अकाउंट्स पेएबल, सही। तो इट मीन देयर इज अ डुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उधार जब आप किसी को देते हैं और आपको उससे पैसे वसूल करने होते हैं तो वो कहला रहा होता था अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अभी आपको पैसे रिसीव करने हैं। जिस बंद यानी कि अब आप उस बंदे के कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसने आपसे पैसे लिए हैं, उस बंदे के लिए वो कहलाएगा अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके दो बिजनेसेस में आपस में डील हो रही है, ठीक है, आप जो है वो बहुत बड़ा गारमेंट स्टोर है, एक होलसेलर है जो आपको पैसे, जो आपको जो है कपड़े वगैरह सब कुछ बेचता है, ठीक है। अब आपने उससे उधार पे माल ले लिया, ठीक है, अब आपके लिए तो ये पेएबल है, यानी कि आपने उधार पे चीज ले ली है, अभी आपको पैसे उस बंदे को पे करने हैं जो होलसेलर है, ठीक है। अब इसी चीज को आप होलसेलर के परस्पेक्टिव से देखें, जो होलसेलर है उसको आपसे पैसे लेने हैं यानी रिसीव करने, सो उसके लिए वो बन गया अकाउंट रिसीवेबल, यानी उसके लिए एक एसेट बन गया, लेकिन वही चीज आपके लिए एक लायबिलिटी है, यानी कि आपको उसको पे करना है, ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को डुअल एस्पेक्ट में, डुअल पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी, सही है। अकाउंट पेएबल का मकसद क्या है, अमाउंट विच अ कंपनी ओस टू इट्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली नोट्स पेएबल अ लायबिलिटी एविडेंस्ड बाय इशुएंस ऑफ अ फॉर्मल रिटन प्रॉमिस, देखें वही बात, जैसे नोट्स रिसीवेबल में था कि हमने कोई नोट साइन कर लिया है कोई भी रिटन फॉर्म में कोई चीज दे दी है तो इट विल बी कॉल्ड नोट्स, यानी कि नोट्स रिसीवेबल। सिमिलरली वही चीज नोट्स पेएबल में भी अप्लाई होगी, अब आपने लिख के कोई चीज रख ली है कि भाई मुझे उस बंदे को इस तारीख को इतने पैसे पे करने हैं, सो इट विल बी कॉल्ड नोट्स पेएबल, सही। इसको आप अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल के साथ, अकाउंट रिसीवेबल के साथ और नोट्स रिसीवेबल के साथ थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको डुअल एस्पेक्ट में ये बात समझ में आएगी, जो चीज आप खुद के लिए कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने किसी को आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, या कोई चीज आपने उसको प्रोवाइड करी है एज अ गुड एज अ सर्विस, तो उसके बदले में जो चीज आपको मिलेगी इट विल बी कॉल्ड योर अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल, ठीक है। सिमिलरली उस बंदे के परस्पेक्टिव से, जो दूसरा बंदा है उस बंदे के परस्पेक्टिव से ये चीज होगी या तो अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल, ठीक है। सो दिस इज द डुअल एस्पेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अ लायबिलिटी, जैसे मैंने पहले कहा बैंक लोन या बैंक फाइनेंस या लोन फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी या और कोई भी ऐसी कंपनी जिससे आप कर्जा ले सकें, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो गए फलाना। एंड फिफ्थ फॉर्म इज लोन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, वालदेन से, या घर में किसी से भी बिजनेस के में, अगर बिजनेस की टर्म्स में आपने लोन लिया है तो इट विल बी कॉल्ड लोन फ्रॉम एनी पर्सन। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब इसको मैं फिर वही बात, इसको मैं आपको थोड़ा सा एसेट से रिलेट इसलिए करके बताऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी चीज ऑपोजिट होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एसेट्स में आपको एक चीज क्लासिफाई करके बताई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं एज एन एसेट क्यों कैटेगराइज कर रहा था, क्योंकि आपने वक्त से पहले चीज पे कर दी है तो और आपका हक बनता है कि आप उसको वसूल करें, उससे बेनिफिट लें, ठीक है। सिमिलरली
एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को यहाँ पे, अब आप नोट करें लायबिलिटी क्यों कहा जा रहा होगा। देखें एडवांस फ्रॉम कस्टमर का यहाँ पे मकसद ये है कि अभी आपने अपने कस्टमर को ना कोई सर्विस दी ना गुड्स बेची, ठीक है, लेकिन आपने पैसे पहले ले लिए, ठीक है। अब मकसद यहाँ पे ये यह है कि आपने जो चीज अभी फ्यूचर में करनी है उसके पैसे आपने अभी से ले लिए हैं, सो दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज अ लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि ये उस बिजनेस के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप पैसे तो ले लिए, आप काम भी करो, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जब मैं प्रीपेड एक्सपेंस आपको समझा रहा था करंट एसेट्स में, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ ये बताया था कि जैसे कि आपने कोई ट्यूटर हायर किया, उसको आपने पहले से पैसे पे कर दिए महीने के, अभी वो एक दिन भी नहीं आया, लेकिन आपने उसको पहले से ही मिलके आपने उसको 10,000 रुपये पे कर दिए, तो आपके लिए वो था प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि अभी आपने उससे ट्यूशन की सर्विसेज लेनी है, ठीक है। अब इसको मैं अगर जरा ट्यूटर के परस्पेक्टिव से देखूं, क्या ट्यूटर के परस्पेक्टिव से बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट या कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि उस ट्यूटर ने पहले ही पैसे ले लिए, अभी सर्विस अपनी दी नहीं है, तो ये ट्यूटर के ऊपर एक लायबिलिटी है कि वो आए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। सिमिलरली ये बिजनेसेस में अगर आप कह लें कि आपने कोई भी माल जो फ्यूचर में प्रोवाइड करना था, कोई गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार की बुकिंग, आपका कोई कार शोरूम है, आपने कार की बुकिंग ओपन कर ली है, अभी कार आई नहीं है, अभी कार मैन्युफैक्चर या इम्पोर्ट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप कस्टमर से पहले से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपका शोरूम है, तो यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ योर कस्टमर इन केस अगर कार नहीं आती, और अगर कार आती है तो ऑब्वियसली आप जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए आपने पैसे लिए हैं कस्टमर से, वो आपको अपने कस्टमर को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, वाई वी आर कैटेगराइजिंग इट एज अ लायबिलिटी, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, आपने पैसा ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी है, तो यू आर लीगली बाउंडेड कि अब आप वो चीज करें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अनअर्न और एडवांस इनकम, ये एक ही फॉर्म है। देखिए एडवांस को हम अनअर्न भी बोलते हैं, देखिए अकाउंट्स की टर्म में अनअर्न का मकसद ये होता है, अनअर्न का मकसद ये है पैसे ले लेना सर्विस ना देना, सही है, या पैसे ले लेना गुड्स या सर्विसेज बाद में देना। देखिए अनअर्न का मकसद यहाँ पे ये है कि पैसा ले लेना अकाउंटिंग में, देखें वही मैं आपको बताना चाह रहा था, अकाउंटिंग में जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज का पैसा पहले मिल गया है तो इट इज नॉट योर अर्निंग, अगर आपने उसका अब तक काम नहीं किया है तो, ठीक है। अगर आपने कोई काम करके पैसा ले लिया सो दैट विल बी कॉल्ड योर अर्निंग, लेकिन अभी अगर आपने पैसा ले लिया है और अगर आपने काम नहीं किया है तो ये कहलाएगी आपकी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मकसद यहाँ पे ये है पहले पैसे ले लेना लेकिन गुड्स या सर्विसेज बाद में देना, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हम नहीं बोलते कि भाई हमने कोई किसी चीज का पहले से पैसा ले लिया। और देखिए अगर आप पर्सनली भी इस बात को सोचें तो जैसे मैं एडवांस इनकम और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है अनअर्न्ड, ठीक है। ये वही बात है, आपने कोई चीज एडवांस में ले ली है, ये इसकी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ले लें सैलरी। अब आपने जो है मार्च 1 से ज्वाइन किया, ठीक है, अब मार्च 1 को ही आपको पूरी महीने की फॉर सपोज 50,000 रुपीज आपको सैलरी मिल गई है, ठीक है। सो व्हाट इज योर लायबिलिटी नाउ, आपकी लायबिलिटी अब ये है कि अब आपको पूरा महीना ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आए आंधी आए, लेकिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज वेरी सिंपल, क्या आप सैलरी एडवांस में ले चुके हैं, ठीक है, नाउ इट हैज बिकम योर लायबिलिटी, अब आपका एक उधार बन चुका है कि भाई अब आपको ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे दिए, अब आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाएंगे तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आप पे केस कर सकता है, केस पे तो एडवांस में सैलरी ले ली और ये आके काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अनअर्न का नाम आए या एडवांस का नाम आए, एडवांस इनकम कह लें अनअर्न कह लें, ये एक ही बात है। लेकिन नामों को याद रखना इसलिए जरूरी है, जब हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अनअर्न क्या है ये। तो अनअर्न का मकसद यहाँ पे आप याद रखिएगा एडवांस इनकम, और कोई भी ऐसी इनकम जो आप एडवांस में रिसीव कर लें विदाउट डूइंग वर्क या विदाउट सेलिंग एनीथिंग, देन इट विल बी कैटेगराइज एज योर लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, द लास्ट थिंग इज अक्रूड या अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सही है। अच्छा देखें अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग, फिर वही बात, टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज इसमें ऐसे आ रही है कि हम बिल्कुल इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखें नाम से सजेस्ट करें अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं।
expenses such as salaries of employees and interest on notes payable which have been accumulated but are unpaid at the end of the period. ठीक है, देखें जैसे एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, एक्सपेंसेस को हम इसलिए जो है कैटेगराइज अभी इसमें नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है एक्सपेंसेस में और लाइबिलिटीज में कि जैसे एक्सपेंस इनकर हुआ आप पे कर देते हो, उसको डिले नहीं करते, तो आप फौरन उसको रिकॉर्ड कर लेते हो. फॉर एग्जांपल इधर आपका बिजली का बिल आता है, उधर आप उसको पे कर देते हो, तो ये आपकी लाइबिलिटी में भी कन्वर्ट नहीं हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक का आपका बिल आ गया भाई 10,000 रुपये का फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ठीक है, आप गए, आप बैंक गए, फिर उसकी एक डेडलाइन होती है, डेडलाइन में आपने जाके पे कर दिया, तो अभी वो आपकी लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ. रीजन बीइंग क्योंकि आपने विद इन टाइम लिमिट जाके पे कर दिया. अब दूसरी अजम्पशन ये ले लें कि अब आपका बिजनेस है, ठीक है, लगातार लगातार आप 6 महीने का जो है यूटिलिटी का बिल पे नहीं कर रहे, अब वो लेट सपोज हो गया 60,000 रुपीज. ठीक है, अब आप एक बार बताइए, आप या तो के इलेक्ट्रिक ये कर सकती है आपकी बिजली का कनेक्शन काट दे, ठीक है, आपको नोटिसेस भेज दे, या आपको बिल पूरा 60,000 का भेज के बोले कि आप ऑफिस आए, आप हमसे किस्त करवा लें, लेकिन आप पे पूरा करें. ठीक है, पॉइंट इज कि कोई भी एक्सपेंस एक्स वाई जी अगर आप उसको डिले करते हैं, पे नहीं करते, तो वो इवेंचुअली आपका एक कर्जा बन जाता है, एक आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है. ठीक है, सो दैट इज वाई वी कॉल इट अक्रूड अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इन तीनों के वर्ड्स के जो मीनिंग है वो सेम है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अब तक पे नहीं हुए हैं, दे आर अनपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. सही है, सिमिलरली आप एम्प्लॉयर हैं, अब आपने अपने एम्प्लॉयज को 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, ठीक है, वो आपका काम भी कर रहे हैं, रेगुलरली आ भी रहे हैं, रेगुलरली आपके बिजनेस का सब कुछ कर रहे हैं, आप उनको सैलरी पे नहीं कर रहे टाइम पे, तो जब 1 महीना गुजरे, 2, 3, 4, 6 महीने गुजर गए, तो नाउ यू आर पर्सनली योर बिजनेस इज लायबल pay off their salaries. ठीक है, तो ऐसे expenses जिनको आप delay करें, और delay करते करते ये नौबत आ जाए कि उनकी deadline भी गुजर जाए और फिर वो accumulate होते रहे, ठीक है, so then they are called accrued expenses and that is why we categorize them as liability. okay, ऐसे खर्चे जो आप pay ना करें on time, ऐसे expenses जो आप pay on ना कर पाए on time, तो वो accumulate होंगे, वो बढ़ते जाएंगे and then eventually they will become your liability. यहाँ पे लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी फाइनल हुआ. नाउ द रेवेन्यू, देखें रेवेन्यू कुछ लोगों को थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझने में डिफिकल्टी होती है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये सबसे पहले तो आप याद रखिएगा. ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू का मकसद ये है कि कोई चीज आप जो है आप 1 लाख रुपए की खरीद के लाए, ठीक है, आपने 1,10,000 रुपए की बेच दी, तो 1,10,000 रुपए इज योर रेवेन्यू. ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, चीज आपने 1 लाख में खरीदी, बेच दी 1,10,000 में, तो जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, यानी कि 10,000. ठीक है, लेकिन जो पूरा जो प्रोसीडिंग हुई है ट्रांजैक्शन की, इट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू, यानी कि 1,10,000 रुपीज. इसको जरा हम पढ़ते भी हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस इक्वल टू द इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल्स इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और गुड्स डिलीवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक, एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे भाई, कोई डॉक्टर क्लिनिक है, अब आप डॉक्टर लगता है, कोई डॉक्टर है उसका क्लिनिक है, सही है, उसने जो है 1,000 रुपीज पर पेशेंट रखी हुई है अपनी कंसल्टेंसी फी. ठीक है, अब आप जाएंगे पे करते रहेंगे, पे करते रहेंगे, पे करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब जो है 5 लोग आए थे, तो दिन के 5,000 रुपये बन गए, सही है. इसका मकसद ये है कि 5,000 रुपये का अभी डॉक्टर को रेवेन्यू हुआ है, नॉट द प्रॉफिट. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द रेवेन्यू, यानी कि जो टोटल प्रोसीडिंग्स हैं, अभी हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टोटल प्रोसीडिंग्स, वो है 5,000, सही है. अब लेट सपोज एक दिन का जो पूरा यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस अपने कंपाउंडर का बनता है, लेट सपोज वो 2,500 रुपये बनता है, अब डॉक्टर एक दिन में वो क्या करता है, 2,500 रुपये के पूरे एक्सपेंसिस पे आउट कर देता है. अब जो डिफरेंस जो वो अपनी जेब में लेके घर जा रहा है, 2,500 रिमेनिंग, तो दैट विल बी कॉल्ड हिज और हर प्रॉफिट. ठीक है, यानी कि ये वो चीज है जो डिफरेंस है, जो पे तमाम एक्सपेंसेस कर दिया, अब जो बच गया है, जो बंदा अपनी जेब में अब घर लेके जा रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट, लेकिन जो टोटल प्रोसीडिंग्स हैं वो कहलाएंगी रेवेन्यू. ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लें कि कोई आपका कैटल फार्म था, आपने जो है पूरी जो है हर्डिंग करी, आपने जानवर खरीदे, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सही है. अब आपने कोई एक जानवर बहुत अच्छा था, वो बहुत बड़ा बैल था, वो आपने 10 लाख रुपए में बेच दिया. ठीक है, तो ये जो 10 लाख में बेचा है, ये है टोटल प्रोसीडिंग. ठीक है, लेकिन जब आप इसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, लेट सपोज उसको रेस करने में, पालने पोसने में, ट्रांसपोर्टेशन लाने में, उस पूरे को उसमें लग गए थे फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए का वो आपको पड़ा, 10 लाख रुपए का टोटल आपने बेचा, तो रेवेन्यू इज 10 लाख रुपीज. ठीक है, लेकिन व्हाट इज द प्रॉफिट,
प्रॉफिट इज 4 लाख रुपीज, द डिफरेंस। ठीक है, इस डील को याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को मर्ज कर रहे होते हैं, उनको सेम कॉन्टेशन में यूज कर रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत है। इनकी कोई रेलिवेंस नहीं है आपस में। रेलिवेंस इन दैट सेंस है कि रेवेन्यू जो आप कमाते हैं वो टोटल प्रोसीडिंग होता है, लेकिन उसका जो डिफरेंस होता है बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू, इट दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यूज क्या हो सकती है ये आपके सामने है। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यूज में आप लिख सकते हैं कि भाई फॉर सपोज सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स, देखें सेल्स का मकसद स्पेसिफिकली अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं, जो हम सुनते हैं सेल वेल ये वो वाली टर्म नहीं है। सेल्स का मकसद ये है कि जब भी आप अपनी मर्चेंडाइज का अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं और जो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं जब भी आपकी मर्चेंडाइज बिकती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था मर्चेंडाइज किसी भी बिजनेस के लिए वो ऐसी चीजें होती हैं जो आप बेचते हैं फॉर बिजनेस पर्पजेस। ठीक है, अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो अपनी चीजें बेचता है जब आप जाते हैं वहाँ खरीदने और जब आप वापस आते हैं। सिमिलरली इम्तियाज, इम्तियाज में से आप अपनी मंथली ग्रोसरी खरीदने जाते हैं वापस आते हैं, इम्तियाज उसको सेल्स के फॉर्म में कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज हम जैसे अक्सर यूज भी करते हैं ना, भाई आज की सेल कितनी हुई, ठीक है आज दिन में कितनी सेल हो गई तुम्हारी। कोई आपका कोई दोस्त है कि जिसका बिजनेस है कपड़ों का या किसी भी एक्सपायरी ग्रोसरीज का किसी भी मेडिकल का, तो आप अक्सर उससे ये सवाल पूछते हैं हाँ भाई दिन की सेल्स कितनी रही, तो दैट इज वाई यू आर रेफरिंग टू हिम और हर एज अ रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता रहे होते हैं कि सेल्स, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एडवर्टाइजिंग इनकम भी हो सकती है अगर आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है ऑब्वियसली। ठीक है, इसको आप समझ लें एक्सपेंस का, आप उसका रिवर्स समझ लें रेवेन्यू को, जो कि कॉमन सेंस भी यही बोलता है। सही है, इंश्योरेंस इनकम, देखें जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि भाई एसेट्स में और लाइबिलिटीज में थोड़ा सा एक दूसरे का कंट्रास्ट हमें नजर आता है। सही है, जैसे मैंने आपको अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट्स और अकाउंट पेबल का बताया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देखें एडवर्टाइजिंग इनकम एक्सपेंस में आ रहा था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यहाँ आ रहा है एडवर्टाइजिंग इनकम, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रही है फॉर एनीथिंग, तो उस जो पे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी एक्सपेंस है, लेकिन जो रिसीव कर रही है उसके लिए रेवेन्यू है। ठीक है, सिमिलरली इंश्योरेंस इनकम, अगर आपने किसी इंश्योरेंस इनकम को हायर किया हुआ है तो अगर आप उसको प्रीमियम पे करते रहेंगे तो आपके लिए तो वो एक्सपेंस है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो वो रेवेन्यू है। ठीक है, सिमिलरली रेंट इनकम, देखें रेंट एक्सपेंस, अगर आपका बिल्डिंग है आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो फॉर योर सेल्फ इट इज द एक्सपेंस, बट फॉर द लैंडलॉर्ड और या फॉर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग इट इज एन इनकम, दैट इज द रेवेन्यू। ठीक है, देखें वही बात, रेवेन्यू कहें इनकम कहें दे आर ऑल सेम। ठीक है, द मेन टर्म इज नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, जो कि इनकम से और रेवेन्यू से डिफरेंट होता है, जो मैंने आपको अभी पूरा डिटेल डिफरेंस बता दिया। ठीक है, ट्यूशन फी इनकम, ऑडिट फी इनकम, कंसल्टिंग फी इनकम, ये वो सारी चीजें हैं जो आप रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम योर कस्टमर्स या क्लाइंट्स। ठीक है, एक्सपेंसेस का बेसिकली रिवर्स, सही है, खुद पे करेंगे कोई चीज के लिए तो आपके लिए वो एक्सपेंस कंसिडर होगा। इन कंट्रास्ट अगर आपको कोई पे करेगा फॉर एनी गुड एंड सर्विसेज, सो दैट विल बी कॉल्ड योर रेवेन्यू। सही है, फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ हेड ऑफ अकाउंट, फिफ्थ फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंट इज फाइनल एलिमेंट इज ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, देखें ये वही बात, अगेन दिस इज इंग्लिश टर्म, हमने अक्सर ये बात सुनी हुई होती है लोगों के मुंह से। ठीक है, इसको मैं जरा पहले पढ़ दूं, एक्सप्लेन करता हूं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ एन ओनर्स नेट इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस प्लस प्रॉफिट्स फ्रॉम सक्सेसफुल ऑपरेशंस व्हिच हैव बीन रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, अच्छा देखें ऑनर्स इक्विटी को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ऐसे बताया जा सकता है कि ऑनर का जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन अपने बिजनेस में है वो कहलाता है ऑनर्स इक्विटी। एग्जाम्पल अब अगर आप पूछें तो वो ये है, अब आपने कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोला, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने खोला, ठीक है पार्टनरशिप की फॉर्म में आपने जो है एक बिजनेस को चलाया जो कि सॉफ्टवेयर हाउस है, भाई 50 लाख एक बंदे ने मिलाए, 50 लाख दूसरे बंदे ने मिलाए। ठीक है, तो अगर हम अब हम यहाँ पे इक्विटी देखें, इक्विटी का मकसद होता है कि भाई कितने राइट्स हैं आपके, ठीक है किसी भी चीज में। सही है, कितना आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, तो अगर अकाउंट की टर्म में बात करें कि कितनी इन्वेस्टमेंट है या कितना शेयर है आपका किसी भी चीज में, तो हम उसको इक्विटी की फॉर्म में रेफर करते हैं। सही है, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई कोई सॉफ्टवेयर हाउस तो आपने इनिशियली अभी शुरू किया है और 50 लाख रुपए से आपने शुरू किया, तो 50 लाख रुपए से आपने शुरू किया है तो दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है द अमाउंट ऑफ एन ऑनर्स नेट इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। ठीक है, जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस पे, ये आपका शेयर हो गया आपके बिजनेस में, दैट विल बी कॉल्ड द ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, इसको बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे एसेट से। ठीक है, Yes, there is a relevance with the assets. ठीक है, इंशाल्लाह जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि why it has some kind of relevance with assets. सही है।
अभी तक के लिए इतना याद रखिए कि ओनर्स इक्विटी क्या होती है, मालिक का अपना हिस्सा बिजनेस में, सही है, उसको हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, सही। अच्छा, नेम ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया था कि नेचर ऑफ ऑनरशिप जब चेंज होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कैपिटल का नाम भी चेंज हो सकता है, लेकिन ऑनर्स इक्विटी बोले या कैपिटल बोले एक ही बात है, ठीक है, ये भी आप जरा याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम जरा पहले बता दूं मैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, देखें सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने क्या बताया था कि भाई अगर कोई सिंगल ओनर है किसी कंपनी का, तो अगर उसका ऑब्वियसली उसका खुद का पैसा लगा हुआ होगा तो वो कहलाएगा, वो ऑनर्स इक्विटी कहलाएगी प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ईयर यहाँ लगा लीजिएगा, सही। सेकेंडली पार्टनरशिप, अगर बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप है तो जितने भी पार्टनर होंगे अगर उनकी इक्विटी है उस बिजनेस में, ऑनर्स इक्विटी है, तो वो कहलाएगी पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था शेयर्स वगैरह का, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं तो वो कहलाएगा शेयर्स कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अच्छा, पेड अप कैपिटल एक अलग पूरी स्टोरी है इस कॉर्पोरेशन की, इंशाल्लाह जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बताते चलूंगा। अभी जो बात सिंपल याद रखने वाली है वो ये है कि ऑनर्स इक्विटी का मकसद ये है कि मालिकाना हुकूक आपके बिजनेस में कितने हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है, ये कहलाती है ऑनर्स इक्विटी। अकेला बिजनेस है, अकेले आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड प्रोप्राइटर्स कैपिटल। लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, दो तीन लोगों के साथ, तो वो कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल। इन कंट्रास्ट किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए तो वो कहलाएगा शेयर्स कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म लिखी है ऑनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। देखिए ड्रॉइंग अकाउंट का मकसद यहाँ पे ये बताना है कि बिजनेस में से अक्सर कुछ लोग पैसे विदड्रॉ भी करते हैं, विदड्रॉ की टर्म आती है, हमने बहुत सुनी होती है, भाई मैंने इतने पैसे डलवाए हुए थे कहीं किसी अकाउंट में, मैंने वापस निकाल लिए या विदड्रॉ कर लिए, ठीक है, मैं इस चीज से विदड्रॉ हो रहा हूँ। विदड्रॉ का मकसद होता है रिवर्स, वापस लेना, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट ऐसा अकाउंट सेपरेट इसी के साथ एलिमेंट में बनाया जाता है कि अगर मालिक बिजनेस में से अपना कुछ हिस्सा वापस निकाल ले तो डेट विल बी कॉल्ड ड्रॉइंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मकसद होगा कैपिटल, कि भाई ऑनर इक्विटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल। लेकिन अगर वही चीज रिवर्स हो जाए, कोई मालिक अपना पैसा बिजनेस से वापस निकाल ले, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड द विड्रॉल्स ऑफ कैश और एनी अदर एसेट बाय द ओनर, यानी कि ओनर जो बिजनेस का है अगर वो अपने बिजनेस में से पैसा या कोई भी एसेट वापस निकाल ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बिजनेस में कोई इक्विपमेंट ला के रखा, कल मैं वापस आ गया कि नहीं मुझे वापस चाहिए, मैं उसको वापस ले गया, अब भाई अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तो करना है हमने, वही बात अगेन एंड अगेन, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग सब करना है। तो अगर कोई बिजनेस में चीज आई है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से कोई चीज जाएगी तो वो भी रिकॉर्ड होगी विद द रीजन, ठीक है। तो अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से आके कैश निकाल ले, अपनी बिजनेस की ड्रॉज में से कैश निकाल ले या कोई एसेट निकाल के ले जाए, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज अ ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। So these are all the heads of accounts. ठीक है, हम कहीं ना कहीं फेमिलियर थे इन चीज़ों से, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा डिटेल में मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश करी है। सो बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंट आर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड ऑनर्स इक्विटी।